हेलो एवरीवन, 4 बज रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मैंने सोचा बाहर चल के कुछ खा लेती हूँ। तो ये निकली मैं बाहर खाने के लिए। धूप बहुत ज़्यादा है यार, ज़्यादा चला नहीं जाएगा, तो सोचा सबसे पास वाली जगह चलते हैं। तो मेरे घर के सबसे पास में है पेरिस कैफ़े, तो मैं पहुँची पेरिस कैफ़े। इनका आउटडोर सिटिंग है, लेकिन धूप भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर बैठा नहीं जाएगा। तो मैंने सोचा कि अंदर चलती हूँ, अंदर चल के बैठ के कुछ खा लेते हैं। अंदर जगह बहुत छोटी सी है, लेकिन एसी तो है यार। तो मैंने यहाँ पर एक जगह ढूँढ और मैं यहाँ पे बैठ गई। ये रहा इनका लंबा सा मेन्यू, जिसमें आता है समोसा, पकोड़ा, सैंडविचेस, बर्गर्स और भी बहुत सारी चीज़ें। इनकी खुद की भी कुछ चीज़ें हैं, इनका खुद का भी मेन्यू कार्ड है, जिसमें कुकीज़, मूव्स, चीज़ केक्स, पेस्ट्रीज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार। तो इनमें से मैंने ऑर्डर किया एक वेज रैप विथ फ्राइज़। तो इनके आने तक थोड़ा सा टाइम था, तब तक मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि ये गन्ना दुबई में क्या कर रहा है, ये कहाँ से आया होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरा मैं ऑर्डर मिल गया मुझे कुछ 5 से 10 मिनट के अंदर ही, और मैंने इसको टेस्ट करना स्टार्ट किया। तो थोड़ा सा केचप डाल लिया, और चलो गाइस टेस्ट करके बताती हूँ। इनके फ्राइज़ तो वैसे एक्सेलेंट है ही, मैंने पहले भी ऑर्डर किया था और पहले भी ट्राई किया है। इनके फ्राइज़ के लिए मैं दूंगी 9 out of 10, ये बहुत अच्छे हैं। चलो अब रैप की बारी, मैं रैप आपको टेस्ट करके बोलती हूँ। रैप के अंदर बहुत ज़्यादा स्टफिंग है यार, सब कुछ नीचे गिर रहा था और मशरूम भी बहुत ज़्यादा था, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। तो इसको मैं दूंगी 5 out of 10। तो इसका प्राइस था 10 AED, मतलब 220 इंडियन रुपीज़। इससे पहले भी हमने यहाँ से ऑर्डर किया था, हमने ऑर्डर किया था ग्रिल्ड चिकन कॉम्बो लार्ज, जो था 15 या 16 AED का, मतलब 340 INR का, इंडियन रुपीज़ का। और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, जो लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं वो लोग ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं। उससे पहले भी मैंने कुछ ऑर्डर किया था, मैंने ऑर्डर किया था वेज सैंडविच, जो कि 8 AED का था, मतलब 175 इंडियन रुपीज़ का था। वो मुझे काफ़ी पसंद आया था, उसको मैं दूंगी कुछ 9 out of 10। इनको जब पता चला कि रैप मुझे पसंद नहीं आया, तो इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप उसके पैसे ना दे। पेरिस कैफ़े की चाय बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए, सब लोग बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। तो मैंने भी पी थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी, सबको ट्राई करनी चाहिए। इनके कुछ आइटम्स मुझे अच्छे लगे, कुछ अच्छे नहीं लगे, यू कैन गिव इट अ ट्राई। आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।